सेक्स या संभोग, ये चीज जो है, मतलब ये जो एक्टिविटी है, ये बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है। मतलब अनाज की जैसी भूख लगती है, खाना खाने की भूख लगती है, वैसे सेक्स की भी भूख लगती है, और वो लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। एवरेज में ऐसा पाया गया, अलग अलग स्टडीज में एवरेज, कि लोग हफ्ते में एक बार कभी संभोग करते रहते हैं। तो फिर हफ्ते में एक बार भी लोग संभोग समझो करते नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक बार भी नहीं है, मतलब कोई 15 दिन में करता है या 1 महीने में करता है, तो उसके क्या नुकसान है वो हम देखेंगे। काफ़ी कल्चर में ऐसा है, संस्कृति में ऐसा है कि भाई नहीं, बच्चे हो गए अभी क्या सेक्स करना, फिर अभी उम्र हो गई अभी क्या सेक्स करना, फिर अभी अच्छा लगता नहीं है, बच्चे बड़े हो गए वगैरह। ऐसे एक विचारधारा है कि सेक्स ने शादी के बाद में कुछ साल ही करना चाहिए, बाद में सेक्स नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सेक्स हरदम करना चाहिए, हरदम के लिए सेक्स होना चाहिए। मतलब जितना फिजिकली आप फिट है, जब तक फिट फिजिकली है दोनों भी हस्बैंड वाइफ, तो आप सेक्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर सेक्स एक हफ्ते में तो भी एक बार करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि यूज इट और लूज इट, मतलब उसका वापर करो अन्यथा आप उसको खो बैठेंगे, तो फिर वापर करना जरूरी है। एक एवरेज ब्रिटिश, ऐसा स्टडी है, एवरेज ब्रिटिश आदमी जो है वो उसके पूरे उम्र के कार्यकाल में 5,800 बार सेक्स या संभोग करता है। यूजुअली लोग हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार संभोग करते रहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी शादी के बाद में बहुत ज़्यादा होती है तुरंत, और बाद में फिर सेटिएशन होता है, मतलब पेट भर जाता है और फिर शांति हो जाती है दिमाग की, तो फिर फ्रीक्वेंसी नेचुरली कम होती है। लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो फिर लोग वीकेंड में ही सेक्स करते रहते हैं। तो फिर सेक्स यदि हफ्ते में एक बार भी नहीं किया तो उसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो देखना जरूरी है। नंबर एक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यूज इट और लूज इट, मैं अगेन बोल रहा हूँ, यदि आप उसको वापरते नहीं हैं तो आपको खोना पड़ेगा। मतलब जो लोग हफ्ते में एक बार भी संभोग नहीं करते हैं तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब नपुंसकत्व आने के चांसेस डबल है एज कंपेयर टू अदर पीपल, डबल, नंबर एक। नंबर दो, हार्ट अटैक या हार्ट डिसीजेस की समस्या जो सेक्स नहीं करते उनमें ज़्यादा दिखाई दिए, हार्ट डिसीजेस की। नंबर तीन, प्रोस्टेट कैंसर की समस्या जो सेक्स नहीं करते उनमें ज़्यादा हो सकती है। नंबर चार, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, वरी ज़्यादा होती है। क्या है कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो जो पति पत्नी में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है तो वो पत्नी पत्नियों में तनाव आता है, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, टेंशन, एंग्जाइटी, वरी, कंसर्न्स, चिंताएं होती है, और फिर वो सेक्स करते नहीं है, और सेक्स करते नहीं है करके प्रॉब्लम होता है। और क्या होता है कि सेक्स करने बाद में फील गुड हार्मोन ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, और उसमें एंडोर्फिन्स है, ऑक्सीटोसिन है, तो जब हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होते हैं फील गुड अच्छा लगता है, और वो जो हार्मोन है वो हार्मोन अपनी पूरी सिस्टम के लिए एक ओवरऑलिंग है, ओवरऑलिंग का काम करते हैं, मतलब फील गुड लगता है, अच्छा लगता है, और फिर सभी हमारी बॉडी को जब अच्छा लगता है, जरा एक्साइटमेंट लगता है, एक्टिवनेस लगता है, तो फिर नेचुरली तबीयत अच्छी रहती है, हैप्पीनेस रहता है। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छी हो जाती है, मतलब जो सेक्स करते नहीं हैं उनको इन्फ्लेमेशन, मतलब कहीं सूजन आना या इन्फेक्शन, मतलब बीमारी होना है, वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगेन वही है कि फील गुड हार्मोन कम होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन सिक्रीशन भी कम हो सकता है, तो फिर उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, और फिर बाकी बीमारी होने के, बाकी तबीयत बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि ब्रेन एक्टिव रहता है, मतलब उन्होंने स्टडीज़ ऐसी की रैट्स के ऊपर, और ऐसा पाया गया है कि रैट्स जब सेक्स करते हैं तो उनमें ब्रेन ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो वही स्टडी उन्होंने इंसान में भी किया, और उनको ये देखा गया कि भाई जो सेक्स करते रहते हैं उनका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है, और फिर जब ब्रेन एक्टिव है तो डिमेंशिया या मतलब भुलक्कड़ की बीमारी या फिर और कहीं ब्रेन की बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि भाई आपको सेक्स करना जरूरी है, हफ्ते में एक बार सेक्स करो, और हफ्ते में एक बार होता नहीं है, कम से कम 10 दिन में एक बार करते हो, और नहीं तो फिर आपको चांसेस ये है कि कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है, तो ये जानिए। और आपको यदि हफ्ते में एक बार होता नहीं है सेक्स, तो डेफिनेटली आपके सेक्सोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करो, उसके लिए ट्रीटमेंट लो, काउंसलिंग करो, जो भी करना है, दवाइयाँ लो, जो भी करना है वो करो, ताकि आप एक्टिव रहेंगे, आपका सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा, तो आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ये भी आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।